ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, ठीक है। आप लोग इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, इस पर तो आगे चर्चा करते हैं। तो जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था एक सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। सिंपल सा मैंने खाली तुम्हें एक फार्मूला लिखवाया था, सरफेस टेंशन को अगर हम लोग टी से रिपोर्ट करें तो वो होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही हमारी सरफेस टेंशन होती है। तुमने देखा होगा कि जब पानी होता है, पानी में मच्छर ऊपर बैठ जाते हैं, साफ पानी होता है उसके ऊपर कौन बैठ जाते हैं, मच्छर लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मच्छर बैठते हैं तो तुमसे कहा गया कि बताओ क्यों बैठ पा रहे, क्योंकि उसके ऊपर एक सरफेस टेंशन है, उस टेंशन के ऊपर वो लोग बैठ पा रहे हैं। ऐसे ही मैंने तुमसे कहा, तुमने एक बहुत एग्जाम्पल सुना होगा बचपन में कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई पानी होता है, पानी के ऊपर अगर कोई पिन डालें तो वो पिन डूबती नहीं है, ठीक है। हालांकि लोहे की होती है तब भी वो पिन डूबती नहीं है, क्यों नहीं डूबती है, सरफेस टेंशन के कारण वो नहीं डूबती। इसी
होती है सरफेस टेंशन के कारण, वो नहीं होती, ठीक है। तो लेयर पर एक सरफेस टेंशन होता है ना। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और भी ओनली पूछा जा सकता है, ठीक है, ओनली पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कोई भी ड्रॉप, ठीक है, बूंद देखिए तुमने बरसात में जो बूंद होती है, बूंद जो ऊपर से नीचे गिरती है तो वो स्फेरिकल शेप में होती है। स्फेरिकल का मतलब है गोल, गोल के फॉर्म में होती है। तो वो स्फेरिकल ऊपर से नीचे कोई चीज गिरती है तो वो गोल क्यों होती है? सरफेस टेंशन के कारण। सर सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन क्या करती है? वो किसी भी चीज को, कोई भी बॉडी को अपने मिनिमम सरफेस एरिया में रखने की कोशिश करती है, ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया में रखने की कोशिश करती है। जैसे अगर अभी देखो, अभी ठंडे खत्म हुई, ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही बताया था, ठंडे खत्म हुई तो ठंडों में क्या है, जब हम लोग सोते थे रात में, ठीक है, अकेले, मतलब ये बहन भाई कोई ना हो साथ में, तो कते तुम ऐसे गुड़ू गुड़ू करके सोते हो, जो पैर होते हैं ना, जो तुम्हारे सर के तरफ, मतलब मुंह की तरफ रहते हैं, ठीक है, और घुटना और नीचे कर लेते हो, बाउंड कर लेते हो अपने शरीर को, एक सर्कुलर शेप में लाने की कोशिश करो। अगर तुम सर्कुलर शेप में लाओगे तो उससे क्या होता है, तुम्हारा जो बॉडी है वो मिनिमम सरफेस एरिया में आएगी, ठीक है, और मिनिमम सरफेस एरिया में आएगी तो जो वहां से हीट निकलती है, हमें ठंड क्यों लगती है, हमारी बॉडी से क्या निकलती है, हीट निकलती है। अगर हमारी बॉडी से हीट निकलेगी तो हमें ठंड का एहसास होता है, तो कम एरिया से हीट निकलती है, अगर कम एरिया से हीट निकलेगी तो हमें ये लगता है कि हमारा शरीर हमें ठंड कम लग रही है, बेसिकली ये, ठीक है। तो वो सब किसके कारण होता था? वो सब सरफेस टेंशन के कारण होता है। अब देखो सर, एक बार जरा सोचना, अगर मैं एरिया की बात करूँ, अगर कोई स्फेरिकल सर्फेसिस है, स्फेरिकल का मतलब हो गया गेंद, गेंद क्या होता है, स्फेरिकल होती है। सर गेंद के स्फेरिकल का जो एरिया होता है ना, वो होता है 4πr², ठीक है, और स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3πr³। याद रखना कि अगर तुम जो सरफेस एरिया किसी भी चीज का, जैसे मान लो अगर तुमने कोई एरिया ले लिया, ठीक है, कोई भी एरिया ले, जैसे मान लिया तुमने 100 मीटर स्क्वायर है, अगर कोई एरिया है, ये सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा? सबसे कम क्षेत्रफल तभी होगा जब कोई भी बॉडी किसमें हो, स्फेरिकल है, ठीक है, इसीलिए ऊपर से जो बूंदें गिरती हैं वो स्फेरिकल शेप में हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने मिनिमम सरफेस एरिया में रहने की कोशिश करती है। अब बात यहाँ पर ही आई सर, सरफेस टेंशन और वाटर कैपिलरी लाइंस। अब कुछ बात मैं कैपिलरी की बात करता हूँ, ठीक है, जैसे जब हम लोग दीपक जलाते हैं, ठीक है, दीपक जलाया तो उसमें हम लोगों ने आग लगाई, अंतर क्या होता है, तेल होता है, ये डिब्बी अगर तुम लोगों ने, हालांकि पुराने जमाने में डिब्बी हुआ करते थे, बहुत समय पहले की बात है, अब किसी के घर डिब्बी है नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होगा, अब तो मट्टी का तेल मिलना ही बंद हो गया, कैरोसिन ऑयल, है ना, कैरोसिन ऑयल मिलना ही बंद हो गया। अब लेकिन हाँ, दीपक तो हर किसी के घर जलता है, ठीक है, और दीपक जलते होते हैं। अगर हम लोग दीपक को देखें, दीपक जो जलता है वो कैसे जलता है, कैसे काम करता है, पहले उस पर बात करें। देखो ऐसा होता है, जब हम लोग कोई कॉटन लेते हैं, आप दीपक जलाना, ठीक है, चलो आज जाके क्या करना, दीपक जलाते हो, ठीक, तो उसमें जो उसकी बत्ती होती है ना, वो प्लास्टिक की लेना, जलाना नहीं जलेगा, प्लास्टिक जल जाएगी, फिर से तेल में रहेगा, वो हमेशा जो हम बाती लेते हैं, जो भी बाती लेते हैं, बाती होते हैं उसे, हैं बाती लेते हैं, वो हमेशा कॉटन होता है, हमेशा कॉटन होता है। कॉटन क्यों होता है? क्योंकि कॉटन के अंदर, अगर मैंने ऐसे कोई मान लो ऐसी ये बाती है, कॉटन के अंदर बहुत सारे ऐसे वायर्स टाइप के होते हैं, इसके अंदर बेटा कैपिलरीज होती है, कैपिलरी का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज, जैसे ऐसी होगी, अब यहाँ से तेल ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हाँ, ये इतनी पतली कैपिलरी होती है कि जब मैं इसके अंदर यहाँ पर पानी होता है, पानी मान लो या फिर ऑयल मान लो, ठीक है, हमारा ऑयल होता है तो कैपिलरी में ऑयल ऊपर चढ़ जाता है, मतलब मान लो ऑयल तो वैसे तो ऑयल का सरफेस नीचे यहाँ तक है, लेकिन ऑयल कैपिलरी से कहाँ चढ़ जाता है, ऊपर, और ऑयल यहाँ तक आ जाता है, ऊपर तक आ गया, जब मैं इसे चलाता हूँ उसके बाद में ये ऐसे चल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, तेल नीचे से ऊपर जाता रहता है, जलता रहता है, नीचे से ऊपर जाता रहता है, जलता रहता है, जब तेल खत्म होता है तब ये पूरी जल जाता है, सही, तब ये पूरी जल जाता है। अब तुम्हें अगर ऐसा नहीं हो तो एक काम करना, ये कॉटन का लेना और एक बड़ा सा इतनी बड़ी वो बनाना बाती, ठीक है,
और दीपक में ऐसे रख देना तो जलेगा ही। कब तक नहीं जलेगा? जब तक वो जहां तक तेल है वहां तक उसकी लौ नहीं पहुंच जाती, ठीक है, तब तक नहीं जलता है। एक काम और तुमने देखा होगा खेतों में, हम लोग देते हैं देखते हैं खेतों में, अभी अब तो गन्ना की सीजन आई, गर्मी पड़ रही है, गन्ने की सीजन आ रही है, अब क्या करते हैं किसान लोग, क्या करते हैं कि खुदाई कर देते हैं, ठीक है, गन्ना की खुदाई होती है, जैसे पानी लगाया, पानी का कहते हैं गन्ने में, कहते हैं किसान यूट आ गई, ऐसे बोलते हैं यूट आ गई, ठीक है, यूट के बाद में खुदाई करते हैं। तो खुदाई से दो फायदे होते हैं, पहली बात तो ये खरपतवार मारी जाती है, खरपतवार का मतलब हो गया घास खत्म होती है, ठीक है, घास खत्म होती है। दूसरी चीज और एक और है, जो भी हमारा ग्राउंड है, जो भी हमारी खेत है, तो उस खेत में मान लो ये मट्टी है, उस मट्टी के अंदर अपने आप से कैपिलरीज बन गई, कैपिलरीज बन गई। अब सोचो सर, पानी की नमी यहाँ तक है, अब इस कैपिलरीज ऐसे जब यहाँ पर सीधे लाइट पड़ती है सन की, सन की लाइट पड़ती है, तो सन की लाइट पड़ने से यहाँ की बीम तुरंत कहाँ चली जाती है, ऊपर, और गील जल्दी खत्म हो जाती है। गील का मतलब है जो उसकी नमीपन है, नमीपन खत्म हो जाता है बहुत जल्दी। किसान क्या करता है, ऊपर से इसे खोद देता है, ठीक है, खोदने से क्या होगा, ये कैपिलरी खत्म हो गई, तो जो सन की लाइट है उसका कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कहाँ नहीं पहुँच पाता है, नमी के ऊपर नहीं पहुँच पाता है, जिससे कि नमी नहीं होती, ठीक है, वहाँ पर भी इस कैपिलरीज का बहुत सारा चीज है, ठीक। चलो ये सब तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज थी कैपिलरीज के बारे में, कैपिलरीज का काम क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कैपिलरी के मेन काम, जैसे मैंने कहा मान लो मेरे पास एक कैपिलरी है, मैंने आपको काफी बड़ा करके दिखा दिया, हालांकि इतनी बड़ी होती थी, ये एवम में या माइक्रो में होती है, ठीक है, एवम का मतलब समझो 10^-3 मीटर या 10^-6 मीटर, इतनी पतली होती है, इतनी पतली। अब हमारा जो बाल है ना हेयर, उससे भी बहुत पतली होती है, बाल तब भी बहुत मोटा है, उससे भी बहुत पतली कैपिलरीज होती है। अब मैंने मान लो यहाँ पर कोई टैंक ले लिया, टैंक के अंदर मैंने पानी ले लिया, ठीक है, कोई भी बाटल ले लिया, लिक्विड ले लिया, कुछ भी ले लिया जिसकी डेंसिटी लो है, ये डेंसिटी। अब क्या हुआ, ये कैपिलरीज, तो कैपिलरीज में पानी मैंने कहा मान लो यहाँ तक आ, कैपिलरीज में पानी यहाँ तक, ये मैंने पढ़ाया था तुम्हें कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, असंजक बल, असंजक बल, ठीक है। असंजक बल क्या होता है, असंजक बल का मतलब होता है जब डिफरेंट एटम्स के बीच में जो बल लगता है वो कहलाता है असंजक बल। ससंजक बल क्या होता है, जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में बल लगता है उसे ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने तुमसे कहा अगर सर ये ऐसे ऐसे ये क्लैंप को बनाते हैं, इधर मान लो सरफेस टेंशन कितनी है, टी सरफेस टेंशन है, ये हो गया इसका कॉन्टैक्ट एंगल, जिसे हम क्या बोले थीटा, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, सर ये थीटा। मैंने कहा पानी हो, ये कितने हाइट तक ऊपर पहुंच गया, एच हाइट तक, एच हाइट तक पानी ऊपर चला गया। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो थीटा की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, थीटा की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब सब्जेक्ट एक बार सोचो, एक खाली है, ये खाली है, लाओ आई से। अब देखो एक बार सोचो, जैसे ये है, इसमें तुम्हें पानी भरा हुआ दिख रहा है, सिंपल सा सा पानी भरा हुआ। वैसे तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट लैब में होते हैं, ठीक है, लेकिन लैब हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, और ऐसा कोई कॉलेज भी नहीं है जो हमें अथॉरिटी देते लैब में जाने की, और मान लो किसी कॉलेज ने अथॉरिटी दे भी दी तो वहाँ खुद अपने टस नहीं होंगे, है ना, वहाँ खुद अपने टस नहीं होंगे तो फिर जाने से क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि नहीं जिसके किसी कॉलेज में, किसी में नहीं, शायद नहीं है, क्योंकि लगभग मैंने हर कॉलेज में बच्चे पढ़ाए, और मैं ये क्वेश्चन एक नॉर्मल पूछता है कि तुम्हारे कॉलेज में क्या क्या लैब के अपरेटस क्या क्या है ना, और यूपी बोर्ड है तो सोचना ही चाहिए, हकीकत बताना है, यूपी बोर्ड है चौकी लाल में पूरा देखा पड़ेगा, सही वैसे ही। तो यूपी बोर्ड से सुना मैंने, हमने यूपी बोर्ड से पढ़ा था, मैं जिस स्कूल से पढ़ा था, लैब के नाम पे तो ये पता ही नहीं था, लैब कई सी लैब, कौन सी लैब, सही वही चीज़ है। तो लैब बहुत जरूरी है। अब देखो
सर ये तुम्हें पानी दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है ठीक है, ये पानी है। अब जरा सोचो, मैंने कहा ये जो पानी है ना, ये पानी हमेशा बच्चों ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा। अभी सर जी मुझे तो अगर मैं अभी गिलास में पानी भर दूँ तो मुझे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखता है, क्योंकि बेटा वो गिलास का जो रेडियस है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर उसका रेडियस तुम कम करते जाओगे ठीक है। कभी भी देखना अगर कोई भी कैपिलरीज हो, कोई पतली चीज़ हो, उसमें तुम पानी डालना ना, तो कुछ ऐसे सेव कर देंगे, हमेशा ऐसे सेव कर, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, ये बिल्कुल ये मेरी कैपिलरीज टाइप की है, यहाँ पर इसमें ऐसे ये पानी है। अब सर पानी ये क्या कर रहा है, ऐसे करके कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है ऐसे, और इस इधर मिलाया है, इसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, इसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। अगर प्योर वाटर और ग्लास तो ये कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री होता है, याद रखना होता है 0 डिग्री। और अगर मरकरी और ग्लास हो तो 137 डिग्री होता है। मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई थी तो उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा रखा है चीज। उसके बाद में सोचो सर, अब देखो अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ, इस पॉइंट पर तो सरफेस टेंशन तो इधर था। अब देखो ये जो वाटर है, ये तो देखो चारों तरफ से घिरा हुआ, देखो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी हर तरफ है। अगर मैं तुम बताओ ये पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, तुम पाई इसके रेडियस आ, तो ये पूरी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, तुम पाई आ। किसी एक पॉइंट पर कितना लग रहा है, ऊपर की ओर टी कॉस थीटा, ऊपर की ओर क्या लग रहा है टी कॉस थीटा, किसी एक पॉइंट पर। मैंने कहा टोटल फोर्स अपवर्ड कितना लग रहा होगा, तो तुम बोले सर एक पॉइंट पर कितना लग रहा है टी कॉस थीटा, और पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, तो पूरी सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई r, इसकी रेडियस मान लो, r इसकी मान लो मैंने रेडियस मान, ठीक। उसके बाद सर ऊपर की ओर तो ये खींच रहा है पानी, और नीचे की ओर कितना वजन है, ये पानी वाला वजन तो है, और बेटा वजन हमेशा क्या होता है, तुम बोले mg, देखो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है t cos θ। अब नीचे कितना है, जितना यहाँ से यहाँ तक, यही तो है, यही तो पानी को खींच रहा, खींचा रहा ही करवा देगा। अब इतना ये पानी क्या होगा, तो तुम बोले mg। मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। सर डेंसिटी ऐसे ही वॉल्यूम, अब ये सिलेंड्रिकल है, एक टाइप से क्या है सिलेंड्रिकल है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला प्रेम पर क्या होता है, वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, साथ में क्या है जी, इतना ही तो वजन हुआ, अरे एम जी इतना ही तो हुआ। ऊपर की ओर कितना लग रहा है टी कॉस थीटा, एक पॉइंट पर टोटल कितना सर्कमफ्रेंस है पाई आर, नीचे की ओर क्या लग रहा है टू पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक पाई से। अगर मैं एच की बात करूं तो यहाँ हो गया टू कॉस थीटा, यहाँ हो गया रो जी आर, क्या हो गया एच बराबर टू टी कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। अब जरा सोचो, मुझे कुछ बताओ, अब प्रिंसिपल बताइए अगर मैं आर कम करूं, आर का मतलब है कैटेगरी को क्या करूं, तब पतला करो आर कम करूंगा तो एच का मान बढ़ेगा, सही है। अगर मैं रो को डेंसिटी कम करूं तब भी एच, और मैं कहूं मैं अभी मेरा एपरेटस कुछ ऐसा है, कितनी हाइट तक है एच है, अगर इससे उठा के मैं मून पे ले दूं तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जी की वैल्यू कम होगी तब भी ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा ऐसा ये इसलिए होता है, अगर मैं कहूँ फॉर प्योर वाटर और ग्लास, प्योर वाटर और ग्लास हो तो वहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 0 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या होता है 0 डिग्री, और थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक। तो एच बराबर हो जाएगा 2t cos 0 अपॉन रो जी, एच बराबर
ये आपका कितना है, ये किसके लिए आएगा, प्योर वाटर और गिलास, ठीक है, गिलास हो जाएगा, गिलास हो और प्योर वाटर, तो उसके लिए एच की वैल्यू आ जाएगी 2T ρg, ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने जिस टाइप से क्वेश्चन बताया नीट उसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा कुछ इधर उधर घुमा के क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं है। इससे पहले क्या लिखा हुआ था इस पर? अरे त्रिभुवनदीदी का भूत पूरा ही होगी भाई, यहां त्रिभुवन भी है। अच्छा, ये भी छुपा दिया गया, कोई देख के नजर लग जाएगी। अच्छा अच्छा, सही कर लिए हैं। भाई बताओ तो कम कर देंगे, आर कम कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एच पर, जानते हैं। अच्छा एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हाँ, मैंने आपको वो ग्रेविटी पढ़ाई थी, ग्रेविटी मैंने आपको सैटेलाइट्स पढ़ाया, ठीक है, और मैंने कहा था जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो मूव करते हैं, वो अंडर रूट जी आर ई वेलोसिटी, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट जी आर ई होती है। अगर मैं जी आर ई को लूँ तो वो आती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड ये रहते हैं। अब मुझे बताओ मैंने जो अपनी कैपिलरी है ना, कैपिलरी है वो उठा के उस सैटेलाइट पर रखी, ठीक है, कैपिलरी उठा के क्या रखी, सैटेलाइट पर। अब मैं कहूँ बताओ पानी कितने ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो जो हमारी सैटेलाइट्स होते हैं उन पर तुमने देखा होगा, वीडियोज देखे होंगे, उन पर जी होता ही नहीं, तभी तो आदमी तैरते होते हैं, ठीक है। सोचो खुद अगर जी को तुम जीरो पर दो, जी को क्या करो जीरो, तो कितनी भी ऊंचाई हो पानी तो चढ़ ही जाएगा, पानी को मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो कितनी भी ऊंचाई हो पानी को तो कैपिलरी से फ्लो करना ही करता है, बाहर की वो निकलता ही निकलता है। ये तो ऐसे ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कैपिलरी, उसके बाद में
ठीक है, हम आपको इसकी बात करें। देखो ऐसा हुआ, जैसे कोई कैप ले लिया, ठीक है, ये कैप देख लीजिए तुमको, ठीक है, ये बंद है, बंद है, प्रॉपर मात्रा से बंद है, ठीक है। अगर इस कैप में हम इधर से फूंक मारते हैं, ठीक है, फूंक मारो तो सीटी सुनाई देती है, सीटी सुनाई देती है। लेकिन अगर मैं देखो, अगर यही कैप है, इससे अगर मैं धीरे से मारू, कम आई फूंक मारी, धीरे मारी, कम आई, अगर हम इसे और तेज करें ऐसे, अब भी इतनी अच्छे से नहीं बोली, नहीं बोली, तुम्हारे पास तो करो सबको वाला फोन चला रहा है। अगर हम इसको ऐसे अब ठीक है, तो वो डिपेंड कर रही है सर एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ मैं ऐसी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। हम लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड एयर की कितनी होगी रूम टेम्परेचर पर, ये निकालना है। लेकिन किससे निकालना है, यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब, इससे निकालना है। तो रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है, मैंने आपको ऑर्गन पाइप्स पढ़ा, एक मैंने बताया था आपको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक बताया था ओपन ऑर्गन पाइप, सही। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको दो ऑर्गन पाइप लेने, एक मैंने ये लिया, एक ही, ठीक है, दो ऑर्गन पाइप, और एक ऑर्गन पाइप में मैंने क्या किया, ये मेरा पानी भरा, लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, लिक्विड है ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। अगर ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, मैंने क्या किया, यहां से फूंक मारी, अगर सोचने की बात है, अगर ये ज्यादा भरा हुआ था, मान लो ये इतना भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था, जो भी मैंने यहाँ पर फूंक मारी है, यहां से यहां तक की लेंथ मैंने मान ली एरर, और ये एरर है, जो एरर कितनी है, ई, सोचो एलेवन और ई। अगर मैं कहूँ बताओ यहां से लेके यहां तक की ये दूरी कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, तुम्हें पता है सर, अगर कोई भी वेव ऐसे चल के यहाँ तक आती है तो वो लैम्डा कहलाती है, लैम्डा कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर यही वेव वापस जाती है, कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक पूरी लैम्डा है सर। ये एंटीनोड और ये नोड, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, लैम्डा बाई फोर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई टू, आधी कितनी हो गई, लैम्डा बाई। क्या तुमको यहाँ पर एंटी नोड और नोड दिख रहे हैं, तो एक नोड और एंटी नोड के बीच की जो ये दूरी है वो क्या कहलाएगी, लैम्डा बाई फोर। तो इसका मतलब ये हो गया सर, एल वन प्लस ई बराबर लैम्डा बाई फोर। अब जरा सोचो क्या हुआ सर, यहाँ पर ये दूरी लैम्डा बाई फोर, ठीक है, मैंने यहाँ ये पानी यहाँ पर लाऊंगे यहाँ तक, तो ये प्रॉपर तरीके से ये बनी नहीं रही थी, प्रॉपर तरीके से बनी नहीं, ठीक है। जब नहीं बन रही थी तो वहां पर तुमको आवाज सुनाई नहीं, आवाज सुनाई नहीं। उसके बाद में क्या किया मैंने, मैं पानी का लेवल को और कम करता चला, सर समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ता, यहाँ पर कुछ ऐसा है भी नहीं पाया मैं ना, दिखा दिया भाई, पूरा एक्सपेरिमेंट वेस्ट है। जैसे मान लो मैं तुमको ऐसे बता देता हूँ, मान लो ये मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, एक ये पाइप है, मैंने क्या किया इस पाइप को ऐसे, अभी ये पाइप यहाँ तक खड़ा हुआ, मान लो यहाँ तक पड़ा हुआ, ठीक है, खोखला पाइप है, और ये पाइप यहाँ तक पड़ा, मैंने ऊपर से फूंक मारी, ऊपर से फूंक मारी, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं थी, मतलब सुनाई थी इतनी अच्छी सुनाई नहीं थी, ठीक है, रिटर्न तो आएगी लेकिन इतनी अच्छी साउंड सुनाई नहीं थी। फिर मैंने क्या किया, मैं धीरे धीरे पानी के लेवल को कम करता गया और फूंक मारता गया, कम करता गया, फूंक मारता गया। जैसे ही जो मैं फूंक मार रहा हूँ, जो मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, जो मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, और वो फ्रीक्वेंसी एक सफिशियंट रहनी चाहिए। अब सर सफिशियंट फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी, तो उसके लिए ऊपर लगा दो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे बजाया खिलाया, तो इससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दे जाती है, ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी मारो, इस तरह 540 हर्ट्ज़ होगी, इससे 540 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी निकल गई, ठीक सर। अब ऐसे कैसे फ्रीक्वेंसी निकली है,
तो हमने कभी जलम पर नहीं देखा है। तुमने जब बचपन में थे तो तुम लोगों ने संटी देखी थी, संटी हाँ चिमटी से संटी देखी, संटी अगर पतली संटी मोटी पतली संटी उसे तुम हवा में ऐसे ऐसे घुमाओ हवा जाती नहीं आती, ऐसे ही ये है, ऐसे ये है, ये बहुत महीन होता है, बहुत पतला, ठीक है, चिमटा जैसा होता है। जब तुम यहाँ से ऐसे ऐसे धक्का देके छोड़ोगे, ठीक है, तो इससे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी तो सुन, अगर फ्रीक्वेंसी लैम्डा बाई फोर है, जरा सोचना सर, पहले पानी यहाँ तक खराब है, मैंने फूंक मारा, आवाज मुझे सुनाई अच्छी नहीं दे रही, मैं पानी का लेवल कम करता गया करता गया, जैसे ही मुझे आवाज अच्छी सुनाई दी पहली बार मैंने रोक दिया, रोक दिया। इसका मतलब है जो पहली लेंथ है एल वन प्लस वो किसके बराबर हो गई, लैम्डा बाई फोर के बराबर हो गई, इनक्लूज्ड ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद में मैंने फिर से लेवल को नीचे करना कर पानी स्टार्ट कर दिया नीचे, ठीक है, लेवल फिर नीचे आ रहा है और फिर यहाँ से मैं ऐसी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, वो लेवल नीचे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, सुनाई जैसे ही मुझे आवाज़ सही से सुनाई थी, अब सही से सुनाई कब देगी, देखो लेवल ये नीचे कर दिया मैंने, लेवल नीचे कर दिया, अब ये आवाज़ सही से कैसे सुनाई देगी, अच्छा हो गया है, तिरछा नहीं क्योंकि स्पष्ट बन गया है। ऐसे, ठीक है, अब सोचो सर, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई टू, ये क्या हो गई, लैम्डा बाई टू, तो ये टोटल जो लेंथ हो गई, टोटल लेंथ हो गई वो हो गई थ्री लैम्डा बाई फोर, और मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये मान ली एल, और यहाँ जो एरर है वो मैंने एरर वही मानी जो पहले थी, ठीक है। अब जरा ध्यान सर, एल वन पहले जो मुझे अच्छी से फ्रीक्वेंसी सुनाई थी एल वन प्लस ई, अब सर इतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई, ये मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट है जो मैं अभी करा रहा हूँ, वो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कैसे ऑब्जर्व करते इस चीज, ये एल वन और ये ई मान लिया एरर, तो एल वन प्लस कितनी दूर डिस्टेंस के बराबर है यहाँ से यहाँ तक, लैम्डा बाई फोर। अगला बार आ गया एल टू प्लस ई कितने के बराबर है, थ्री लैम्डा बाई फोर। मैंने क्या किया सर, इसे इक्वेशन टू माना, इसे इक्वेशन वन, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट किया एल टू प्लस ई, एल वन माइनस ई, थ्री लैम्डा बाई फोर माइनस लैम्डा बाई फोर। सर E से E कैंसिल आउट हो गया, ये बचा L2 माइनस L1, यहाँ से डिवाइड निकालेंगे तो यहाँ बचेगा लैम्डा बाई लैम्डा बाई। अब हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से लैम्डा बराबर जो होता है वो होता है B अपॉन F, B होती है वेलोसिटी, F होती है फ्रीक्वेंसी, B है वेलोसिटी, F है फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या किया लैम्डा की जगह अगर डाला तो ये आया b अपॉन 2, तुम्हें निकालनी क्या थी यहाँ, स्पीड निकालनी इतना साउंड की, तो अगर मैं b की मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से तो 2f l2 माइनस l1, ये मुझे क्या आ गई फ्रीक्वेंसी है, ये आ गई मुझे फ्रीक्वेंसी। अब देखो, नो सॉरी, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो सर कैसे, मुझे बता जब मेरा पहले अच्छा सा साउंड आ रहा था, मैंने ये डिस्टेंस L1 नाप रखी, नाप रखी, दोबारा जब मेरा अच्छे से साउंड आया मैंने क्या नाप की, मैं जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, इस फार्मूला में रख दिया, मुझे क्या आ गई स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, ईयर में कितनी स्पीड ऑफ साउंड होगी वो यहाँ से निकल के ऐसे आ गई।
और ये एक्सपेरिमेंट को बार बार करना होता है, बार बार करना होता है, तब जाके आपकी ऑब्जर्वेशन। अच्छा कोई बच्चा मुझे इसको एरर के टर्म में लिख के दिखा, इसे ये एरर के टर्म में अगर मैं लिखूं तो ये कैसे दिखा? बी वेलोसिटी एयर फ्रीक्वेंसी एयर टू माइनस एयर वन, एरर के टर्म में लिखे, एरर के टर्म में देखो क्या होगा, ठीक है? देखो अगर मैं इसको एरर के टर्म में लिखूं, फार्मूला है बी इक्वल टू टू एयर एयर टू माइनस एयर, इसे लिखूंगा तो डेल्टा बी क्या होगा, बी टू कांस्टेंट होता है, इससे कोई मतलब होता नहीं, कांस्टेंट से एरर में कोई मतलब नहीं होता। यहां बचेगा डेल्टा एफ अपॉन प्लस डेल्टा एल टू अपॉन डेल्टा एल वन बटे क्या रहेगा, एल टू माइनस एल, ठीक है? एरर कभी भी घटती नहीं है, एरर हमेशा घटती है, एरर हमेशा घटती है, लेकिन जो रियल मान है, रियल मान तो आपका एल टू माइनस एल वन। इसे अगर मैं एरर के टर्म में देखना चाहूँ तो ऐसे ही एरर के टर्म में भी आ जाऊंगा। देखो अगला एक्सपेरिमेंट है मेरा, टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब
ये मैंने माइक्रोस्कोप पढ़ लिया, लेकिन अरे ये माइक्रोस्कोप कनेक्ट है, ये माइक्रोस्कोप कनेक्ट है, ये कोई माइक्रोस्कोप सर ट्रैवलिंग, देखो सबसे पहले इसमें यही है कुछ ट्रैवलिंग का मतलब क्या है, ट्रैवलिंग का मतलब ये है इस माइक्रोस्कोप को मैं चाहूँ तो ऊपर लाऊँ चाहे नीचे लाऊँ वो मेरे पे डिपेंड करता है, वो कैसे यहाँ पर इतने बटन होते हैं, यहाँ पर मैंने एक पेज ले लिया, इस पेज के माध्यम से जब मैं पेज घुमाऊंगा तो ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी आ सकता है, ये इसलिए से बोलते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप सिंपल सा कुछ। अब तुम बताओ अगर मैं ये टी थिकनेस का कोई मेरे पास में ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब के नीचे मैंने एक सिक्का रख दिया, कोई भी पॉइंट है, कोई पॉइंट रख, अगर मैं कॉइन रखूंगा तो यही कॉइन मुझे कहाँ दिखेगा, फूल पर। मैंने ये पूरा कराया था जब अपनी बाहर क्लास चल रही थी तो मैंने ये कराया था, कैसे देखो अगर आप देख रहे हैं इससे एक रेज ऐसे सीधी जाएगी, सीधी जाने के बाद नॉर्मल पर पड़ी, नॉर्मल पर पड़ने के बाद में 100% जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन कहाँ जाएगी, ऐसे बाहर निकलेगी, और जब मैं इसे पीछे मिलाऊंगा तो क्या मुझे यही वाला सिक्का यहाँ दिखेगा, कुछ ना कुछ कहा दिखता है ऊपर दिखता है, कुछ ना कुछ ऊपर दिखता है। अगर मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना, म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मैंने कहा अच्छा सर अब देखो ये इसकी रियल डेप्थ होती थी, जब रियल डेप्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी चौड़ाई मैंने कितनी मान ली डी, और मुझे जब ये सिक्का मिल रहा है वो कितनी डेप्थ पर दिख रहा है, डी डेप्थ, कितने पर दिख रहा है डी डेप्थ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू होता था डी अपॉन डी डेप्थ, ठीक है, म्यू बराबर होता था डी अपॉन डी डेप्थ, सभी कैसे, अरे बच्चों डी डेप्थ बराबर होता था डी अपॉन म्यू, ठीक है, डी डेप्थ बराबर क्या होता था डी अपॉन म्यू, ये क्या होती थी, ये होती थी एपेरेंट डेप्थ, ठीक है, ये क्या होती थी रियल डेप्थ, ये एपेरेंट डेप्थ और ये होती थी रियल डेप्थ, तो म्यू बराबर डी अपॉन डी डेप्थ, सही है। अब सर हम लोग कैसे इसको, कैसे हम सॉल्व करते थे, कैसे हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं, तो देखो सबसे पहले तुमने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप लिया, उस माइक्रोस्कोप को किसी एक सर्फेसियल में दूरी पर तुमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक, तुमने इस ग्लास स्लैब की थिकनेस ले ली जो तुम्हें क्या पता चली डी, ये डी तुम्हें पता चला, ठीक है, उसके बाद में तुमने इसके नीचे पॉइंट रखा, ये कोई भी फिगर तुम रख सकते हो, मैं इस माइक्रोस्कोप से देखता हूँ तो मुझे ये कहाँ दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देगी, तो मैंने क्या करना है यहाँ से लेके यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे निशान लगाना है, कैसे निशान लगाना है सर, समझ में नहीं आ रहा है निशान कैसे, जैसे मान तुम लोग देखो, अगर तुम कोई चीज मान लो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, कोई चीज है यहाँ लेकिन दिख रही है यहाँ, तो हमने देखते देखते यहाँ पर ऐसे निशान लगा लिया कि ये हमें यहाँ दिख रही है, ठीक है, तो जहाँ दिख रही है तो हमने एक निशान लगा लिया कि मान लो ये यहाँ दिख रही है, ये हमने क्या रूपी ले ली डी एस, डी एस हो गई, तो म्यू बराबर हो जाएगा तुम्हारा डी अपॉन डी एस, जहाँ से हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसे एरर के टर्म में भी लिखूँ तो डेल्टा म्यू अपॉन म्यू, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी एस अपॉन, ठीक है, और अगर इसी चीज को मैं परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो परसेंटेज एरर में कब कन्वर्ट होता है, जब तुम इससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, तुमसे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का कोई मतलब नहीं है किसी भी प्रकार से, तुमसे बस यही क्वेश्चन जो पहले करा चुका हूँ उसी टाइप से तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ कि तुम्हें कोई उसमें एपरेंट डेप्थ दे दी, ठीक है, एपरेंट डेप्थ दे दी और तुम्हें रियल डेप्थ दे दी, तुमसे पूछा बताओ कि जो ग्लास स्लैब रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो तुम्हें निकालना है।
एक रियल है तो भी तुम्हारी हो गई अंतर। तो बीएससी में तो प्रैक्टिकल होते होंगे, नहीं होते हैं? एक स्कूल वाले बहुत चार को पता है वो कहते हैं हमें सामान ही नहीं, होम साइंस वालों को प्रैक्टिकल खूब करा देंगे। हां होम साइंस वालों को तो बोले नहीं पर डेली डेली करो, नहीं एकदम से मत कर लेना सर, नहीं तो इतना हम खा कैसे पाएंगे, है ना? यार मैं तो पहले यार सब क्या नहीं खा उनके तो पेट से बचे पांडे जी कहते थे तो भाई हम तुमसे कहने लगे हैं, ठीक है?
एक बार बता बोलो, जो पहले जो प्रेस थी अब प्रेस है, उसमें अंतर ये है, पहले अगर लाइट चली जाती थी तो जिस कपड़े को तुम प्रेस कर रहे हो वो कपड़ा को तो प्रेस हो ही जाती थी, साथ में एक पे और हो जाती थी। जैसे मान लो कि शर्ट में प्रेस कर रहे हो तो पैंट भी हो जाती थी और शर्ट में भी हो जाती थी। लाइट जाने के बाद बता रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की जो प्रेस है ठीक है, और पहले प्रेस क्या थी, तुमने लाइट प्लग लगाया, लाइट प्लग लगा के चालू करके चले गए आराम से 5-10 मिनट बाद आए, तब जाके गर्म होती थी, तब करना स्टार्ट करते थे ठीक है। आपकी जो प्रेस है, जैसे तुम प्लग लगाते हो तुरंत गर्म हो जाती है और तुरंत प्रेस करना स्टार्ट, और तुरंत ही तुम बंद करते हो तुरंत वो ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, तुमने एक चीज और सुनी होगी कभी, रेगिस्तान में ना राजस्थान में, राजस्थान में तुम लोग गए हो, राजस्थान में रुकने के पर्पस ठीक, राजस्थान में जैसे जैसलमेर में गए ठीक, तो जैसलमेर जाओ तो वहाँ पर जो दिन होता है वो बहुत गर्म होता है और रात उतनी ठंडी होती है ठीक है। दिन में तुम्हें मार पसीना के मारे करके तुम कहोगे हे भगवान कौन सी जगह पे आते, और रात में तुम कहोगे भाई रजाई की तरह कपड़ा दिन है ठीक है, इतना वेरिएशन होगा वहाँ पर। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारा जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर बहुत सारी मात्रा में सिलिका पाई होती है ठीक है, और सिलिका क्या होती है, सिलिका की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना वो बहुत कम होती है, बहुत कम। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत कम। बहुत कम का मतलब है उसे तुम थोड़ी सी हीट दोगे वो तुरंत क्या हो जाता है, गर्म। जैसे पांडे जी की दोस्त, थोड़ा सा तुम कहो एकदम से क्या हो जाते हैं, गर्म, और एकदम से ही क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो जो इंसान जल्दी नाराज होता है वो उतनी जल्दी मार भी जाता है, और जो देर में नाराज होता है वो मारता ही नहीं। तो वही हाल तुम्हारी इसके साथ है। तो जब जितनी जल्दी तुम्हारी प्रेस गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो ठंडी होती है, जितनी देर में गर्म होती है उतनी ही देर में वो ठंडी होती है ठीक है। दूसरी चीज, तुमने देखा होगा, बताओ प्रेमपाल, तुम सिकाई करते हो किसी पेशेंट की, सिकाई करते नहीं करते हो, सिकाई करते तो एक ट्यूब होती है ठीक है, उन ट्यूब के अंदर क्या भरते हो, पानी की पेट्रोल, क्या भर के गर्म करते हो, अरे बोतले नहीं होती है, उनमें क्या भरा हुआ होता है, क्या भरा हुआ होता है, कैसे तुम डॉक्टर के पास रहते हो भाई, बोले क्या आते, उसके अंदर मतलब पानी भरा हुआ होता है, निकाल दो पत्थर फिर से पानी भरा हुआ होता है, पानी भरा होता है। आप सोचो तो उसके अंदर पानी ही क्यों भरते हो भाई, अगर पेट्रोल भर दोगे तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल भरो उसके बाद में उसने गर्म गर्म, पहले पेट्रोल गर्म करो फिर भरो, कैसे कहीं हो पानी क्यों इसलिए भरते, पानी की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है, पानी की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है, तो वो गर्म होने में ज्यादा समय लगाता है। और जब तुम बोतल में भर लेते हो, जब सिकाई करते हो तो ठंडा होने में ही उतना ही समय लगाता है ठीक है, इससे कि आराम से उसमें वो ठंडा हो जाता है, आराम से ठंडा हो जाता है, इसीलिए हम लोग लिक्विड वाटर यूज करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड चीज, कोई भी कोई सॉलिड चीज, उस सॉलिड
चीज का मैंने मास मान लिया, मास ऑफ सॉलिड, ठीक है, मैं इसे गर्म किया, जब मैं इसे गर्म किया, अब मैं इसे गर्म करता रहा तो इसका मैंने टेम्परेचर मान लिया, मान लो इसका टेम्परेचर एक, ये गर्म है ये ठंडा है, ये गर्म और ये ठंडा है। अब मैंने क्या किया सर जी, अभी तो ये अलग अलग है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या किया इसे उठा के इसमें लगा, ठीक है, अब जब और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक थर्मोमीटर, ठीक है, एक थर्मोमीटर, Thank you.
स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर मास ऑफ सॉलिड मास ऑफ लिक्विड मास ऑफ कंटेनर T1 इनिशियल टेंपरेचर ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर इनिशियल टेंपरेचर ऑफ सॉलिड फाइनल टेंपरेचर final temperature of mixture ये अक्सर इतने बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे काफी नहीं पूछेगा ठीक है जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपको बता इस टाइप से क्वेश्चन के पूछे जा सकते हैं कैलोरी पर ग्राम ठीक है 540 कैलोरी पर ग्राम
उनका एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने तुमसे कहा मान लो तुमने परिग्राम पानी में चेंज हो गया, कितनी ली 100
टोटल कितनी हुई 180। अभी तो हीट बची हमारी, इसका मतलब ये है ये टोटल वेपर कन्वर्ट ही नहीं हो पाई वाटर, ठीक है, कुछ मात्रा कन्वर्ट हुई। तो इसका भी टेम्परेचर देखो 100 ही तो है, इधर ही क्या है 100, ठीक है, इसकी कुछ मात्रा कन्वर्ट हुई, कुछ मात्रा कन्वर्ट हुई, उसका भी टेम्परेचर 100, जो नहीं हुई उसका भी 100, और वाटर भी कितने का हो गया 100, तीनों 100 के हो गए, यानी कि तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर अगर मैं देखूंगा तीनों का तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तभी तो जो भाप होती है, भाप में ज्यादा गर्म लगती है, भाप में बहुत गर्म लगती है, भाप में ज्यादा गर्म जहां मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि तुम्हारी फिगर भी इमेज बनी रहेगी,
वहां से और जहां तक ये रखा है वहां तक के डिस्टेंस को नाप लेना वही क्या कह रहे हैं हमारी कवर है ठीक ये अच्छा लेंस का फार्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू b - 1/e मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है height of image upon height of object और b upon u ये होता है जहां b क्या होता है b होता है बड़ा जहां इमेज बन रही है कौन से पोजीशंस u है जहां से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोजीशंस f है इसकी फोकल लेंथ ठीक f इसकी फोकल अगर दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होगा ये कॉन्वेक्स लेंस ये ट्रांसपेरेंस तुम्हें पता है अगर कोई लेंस इन्फिनिटी से आएंगे तो 100% ये कन्वर्जिंग लेंस होता है यहां मिलेंगे और यही डिस्टेंस इसकी क्या कहलाएगी बचपन में हम लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था उस मैग्नीफाइंग ग्लास को देखा होगा आग भी लगाते हैं लगाते नहीं लगाते आग लगाते हुए सारी की लाइट को इकट्ठा किया एक जगह डाल दिया यहाँ पर तुम्हें क्या मिल रही इमेज मिल रही है ठीक है इसलिए भी इस पर वर्क करता है ये इसकी फोकल लेंथ हमेशा हमेशा ध्यान रखना क्या होगी इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और इसे हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं लोग डाइवर्जेंट ठीक अब मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया इससे पहले तो मैं बता चुका हूँ मैं कहता हूँ फिगर बना के बताया है और पूछा भी गया क्या कॉनकेव लेंस हमेशा और हमेशा डाइवर्जेंट होता है कॉनवेक्स लेंस हमेशा डाइवर्जेंट करता है डाइवर्ज का मतलब है कि रेज को फैलाता है ठीक है तो हमेशा नहीं फैलता कब फैलाता है ये ध्यान रखना ऐसा कब होता है ये फिगर कब होता है ये तब होता है जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो ज्यादा हो ठीक है यानी कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है बाहर का जो एटमॉस्फेयर है या बाहर हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा और ग्लास का क्या होगा ज्यादा तब तो ये डाइवर्ज करेगा लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि बाहर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा किससे ग्लास से ठीक है तो लाइट ऐसे आएगी और ऐसे कन्वर्ज उस कंडीशन में ये कन्वर्ज की तरह भी है और जो कन्वर्जिंग है वो डाइवर्जिंग की तरह व्यवहार करता है और जो डाइवर्जिंग है वो कन्वर्जिंग की तरह व्यवहार करता है लेकिन ऐसा बहुत कोई कंडीशन है ऐसा हो तो साइंटिस्टों ने अपनी अलग थ्योरी निकाल दी है ऐसा है नहीं मैक्सिमम के लगभग सारे केस में कॉनकेव हमेशा कन्वर्जिंग करता है कॉनकेव कन्वर्जिंग करता है और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग करता है कॉनकेव डाइवर्जिंग करता है ठीक है हमेशा हमेशा नहीं करता मैक्सिमम केसेस में यही ये तुम्हारा स्टेप से ऐसे हो जाता अच्छा एक बार सर अगर मैं लिखू यहाँ इस फार्मूला को जरा सही से कह सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/e ठीक है एलसीएम लिया इधर हो गया u माइनस एक हो गया u माइनस अगर मैं ऐसे लिखूंगा सर इसे अगर मैं एरर के कलम में ये एक्चुअली तो पढ़ लो f बराबर ut अपॉन u माइनस
डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बी अपॉन प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा बटे यू माइनस बी ठीक है। और अगर कभी इसे परसेंटेज एरर में मुझे कन्वर्ट करना हो परसेंटेज तो मैं इधर भी सौ से मल्टीप्लाई कर दूँ इधर भी सौ से मल्टीप्लाई कर दूँ यानी कि मैं दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे करो मतलब बात करी थी तो सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छे से पेमेंट से आपको बताया था उसके
के बाद में इसी में मैंने कहा था एक होता था फॉरवर्ड राइज और एक होता था रिवर्स राइज, एक फॉरवर्ड राइज होता था एक होता था रिवर्स राइज होता था। ठीक है, फॉरवर्ड राइज में क्या होता है कि पोटेंशियल बढ़ाने के बाद मतलब करंट बढ़ता है और डिप्लीशन लेयर होती थी, डिप्लीशन लेयर कोई वृक्ष बता सकता है लगभग वृक्ष कितनी होती थी डिप्लीशन लेयर की, माइक्रो में होती थी। ठीक है, माइक्रोमीटर इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्लो होते हैं जिससे हमें एकदम से फॉरवर्ड वाइज में क्या मिलता था, फ्लक्चुएशन मिलता था, करंट एकदम से आगे बढ़ जाता था। ठीक है, इसके अंदर डिप्लीशन लेयर क्या होती है कम होती है, धीरे धीरे क्या होती है कम होती है, जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज फॉरवर्ड वाइज में अगर मैंने तुमसे कहा मान लो पी टाइप का सेमी कंडक्टर, पी टाइप के सेमी कंडक्टर में एक किसी भी सेमी कंडक्टर में या तो होल होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में मेजोरिटी के क्या होते हैं, इसके भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद में एलईडी, एलईडी एलईडी नाम तो ना लाइट एमिटेड डायोड, तो एलईडी का लाइट एमिटेड डायोड एलईडी, एलईडी के साथ में तुम्हारा जीनर डायोड है। जीनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स बायस की तरह बिहेव करता है, जीनर डायोड उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज तो एक्सपेरिमेंट बच गए हैं दो चार, अब जब भी क्लास होगी अभी अपने कब क्लास है, दो चार दिन बस क्लास है, मंडे मंडे को क्लास है, मंडे को बोली फ्रीजे को फ्रीजे को क्लास है, जब भी क्लास होगी तो उस क्लास में हम लोग देखते हैं। आप लोग फुल टाइम के हिसाब से तैयारी करना, पेपर जो मैं डालूंगा इन पर बहुत सरल सिंपल पेपर होगा, सिंपल पेपर के सरल जिससे हम बोल सकते हैं, कठिन पेपर नहीं बोल सकते। वीडियो की सरल पेपर बोलते हैं, सरल टाइप के पेपर मेरे पास नोटिफिकेशन में है, एप्लीकेशन पर होगा जब भी और सरल पेपर होगा तो ज़्यादा हार्ड पेपर होगा, और कोशिश करना अच्छे से अच्छे नंबर लाने की। उसमें तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें सारे के सारे फार्मूला याद, अगर फार्मूला याद नहीं है तो दिक्कत होगी, तब क्वेश्चन नहीं होगा।